जैसे हम लोगों को ये बीमारियां थी हो रही थी, हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं आ रहे थे कि जब तक मानसिकता में चेंज नहीं आए, और ये जब तक जागरूक नहीं करेंगे। इंसान जब जागरूक होता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइफ स्टाइल, डॉक्टर साहब ने बात की कि लाइफ स्टाइल को हम लोगों ने, जैसे सोने की आदत, लेट नाइट तक आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आराम से, कभी सो के उठा नहीं उठा, तो ये चीज़ें जो आप जागरूक कर रहे हैं हर आदमी को, बच्चे बच्चे का, हमने इनका एक वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा अपने दादाजी से पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया, और सारे स्कूल के बच्चों ने अपने घर में इस बात का डिस्कस किया कि डायबिटीज जो हो रही है वो क्यों हो रही है। तो बच्चे में और महिलाओं में जब इस तरह की जागरूकता आएगी तो स्वाभाविक से बहुत सी बीमारियां जो इसका परिणाम है, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ एक तो हम लोग इसको डाइन भी कह सकते हैं ना, जो पूरे शरीर को खत्म कर देती है, पता भी नहीं चलता कब आया और कब हमें खत्म कर दिया। और इस चीज को अगर हम जागरूक होते हैं और अपने आप को एक टाइम मैनेजमेंट में, रूटीन लाइफ में अच्छी तरह से डालते हैं तो शायद बहुत हद तक खुद को निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, इसके लिए तुम बार बार इनके साथ रहते हैं, और ये कहेंगे कि मानसिकता में परिवर्तन ला, और मानसिकता में परिवर्तन कब आएगी, जब हम जागरूक होंगे, और जागरूक कब होंगे, जब अवेयरनेस प्रोग्राम होगा जागरूकता के लिए। एक बच्चे को, एक स्कूल को इन्होंने कहा कि नुक्कड़ में, मैं तो कहूँगी एक स्कूल में जाएंगे, एक एक स्कूल में जाके इस तरह के जागरूक करें ताकि लोगों की मेंटल जो जो थॉट है उसमें चेंज ना, ताकि हम अपना रिटर्न, क्योंकि ज्यादातर आप देखें डिप्रेशन के पेशेंट, बहुत सारे जो ऑब्सेशन के पेशेंट हैं या बहुत सारे मेंटल डिजीज हैं, वो ज्यादातर देखा कि वो फिजिकली बीमार थे, उनको ज्यादा से ज्यादा ये बीमारी का कारण रहा। तो ये चीज़ें बहुत सारी जी। मेरा नाम डॉक्टर बिंदा हुआ, क्लिनिकल साइकोलॉजी।